स्वागत है न्यूज बिहार में का फिर से। आपका प्यार जो हमारे साथ बना हुआ है, यही वो वजह है कि बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल बन चुका है न्यूज बिहार। ये हम नहीं कर रहे हैं, लगातार दो साल से जब न्यूज बिहार को सम्मानित किया जा रहा है, किस तरह से सम्मानित किया जा रहा है ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि लगातार दो साल से न्यूज बिहार को सम्मानित किया जा रहा है। बिहार में एक ऐसा न्यूज चैनल जो लगातार दूसरों को प्रेरणा दे रहा है, दूसरों के दुख दर्द को लोगों के सामने रख रहा है, उजागर कर रहा है, और हर वो जरूरी खबर जो आप तक लेकर आ रहा है न्यूज बिहार, उसे लगातार सम्मानित किया गया है। कल पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में न्यूज बिहार के निदेशक को मंच पर बुलाकर पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर ने खुद सम्मानित किया है। एलीट इंस्टीट्यूट के वार्षिक समारोह में न्यूज बिहार के निदेशक विजय मिश्र बाबा को मंच पर बुलाकर किस तरह सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहा गया उनकी तारीफ में, आप खुद देखिए इस वीडियो में। उसके सम्मान सरस्वती सम्मान के लिए विजय कुमार मिश्र जी, संस्थापक न्यूज बिहार, पुरजोर तालियों से सरकार अभिनंदन और स्वागत हो, और एलीट इंस्टीट्यूट की तरफ से ये सम्मान आप ग्रहण करें। आपने जो कार्य किए समाज के लिए वो अतुलनीय है। एलीट इंस्टीट्यूट आपको ये सम्मान देकर अपने आप में, जिस तरह से आपने देखा किस तरह से हमारे निदेशक विजय मिश्र बाबा को सम्मानित किया गया है, और ये न्यूज बिहार के दर्शक ही है, हम किसी दौड़ में नहीं है, लेकिन ये दर्शकों का प्यार ही है जो लगातार हमें नंबर वन बना रहा है, और आपका ये प्यार आगे भी बना रहेगा इसकी हम उम्मीद रखते हैं। इसके साथ वार्षिकोत्सव में तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिले, मैथिली ठाकुर ने भी जमकर गीत गाया। आप देखिए पहले हमारे इस रिपोर्ट में किस तरह से वहां पर दर्शकों का मन मोहने के लिए रंगारंग कार्यक्रम चलाए गए। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं जमते, धूप नहीं जमती, जमती है तो सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और ठंडी होती है। हे ईश्वर, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गहरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई हमें कभी मत देना। ये पंक्ति ऊंचाई कविता की है, हम सबके चहेते पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जिस तरह से आपने इस वीडियो में देखा, अमरदीप झा गौतम ने भी बहुत सारी बातें कही, अटल जी को श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ और सम्मान समारोह हुआ। ऐसे समारोह जब हमारे समाज में होते हैं तो लगता है शिक्षा देने वालों को सम्मान मिल रहा है, उन लोगों को सम्मान मिल रहा है जो समाज को एक साथ रखे हुए हैं, जिन्होंने समाज के हर वो चीज को अपने कंधों पर उठा लिया है जिसे आज लेकर चलना कोई नहीं चाहता। और ऐसे लोगों को जब सम्मानित किया जाता है तब सभी लोग प्रफुल्लित होते हैं और आगे भी ऐसा चलता रहे इसकी उम्मीद रखते हैं। न्यूज बिहार पल पल आपको हर एक खबरों के साथ अपडेट करता रहेगा, हम हर पल हर वो खबर आप तक लाते रहेंगे जो आपको जानना जरूरी है। बने रहें न्यूज बिहार के साथ, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।